वहां जाकर क्या देखा? देवतामिव खाच्युतम। ये है भजन की महिमा। महीनों बीत गए, ना अन्न गया ना जल गया, पर शरीर में कांति कैसी है, ऐसे लगता मानो आकाश से गिरा हुआ कोई देवता हो। देवता मिव खाच्युतम। पांडवों ने प्रणाम किया है, भगवान श्री कृष्ण ने भी प्रणाम किया था। ऋषि मुनि महात्मा आ गए, ब्रह्मर्षि, देवर्षि, राजर्षि, ये सब के सब इकट्ठे होकर आ गए। कौन कौन आए? उन महात्माओं के नाम सुनो। महर्षि पर्वत, देवर्षि नारद, महर्षि धौम्य, भगवान व्यास, भगवान बृहदस्व, महर्षि भरद्वाज और अपने शिष्यों के सहित श्री परशुराम जी महाराज, वशिष्ठ जी महाराज, इंद्रप्रमद ऋषि, त्रत ऋषि, गृत समद ऋषि, असित ऋषि, कक्षीवान ऋषि, गौतम ऋषि, महर्षि अत्रि, महर्षि कौशिक माने विश्वामित्र जी, महर्षि सुदर्शन और श्री शुकदेव जी, ब्रह्मराता दयो मलाह, ब्रह्मरात्मा ने शुकदेव जी इत्यादि देवर्षि, राजर्षि, ब्रह्मर्षि, कांडर्षि, महर्षि सब वहां एकत्रित होकर के आ गए। माने संपूर्ण ब्रह्मांड की जो दिव्यतम विभूतियां हैं वो भीष्म जी के निकट है। ये है भजन की महिमा। सब खड़े हैं, देवता भी खड़े हैं, देवता भी आए हैं। आहा, धन्य है ये जो ऋषि मुनि महात्मा हैं, ये भीष्म जी के दाहिनी ओर खड़े हैं और बाईं ओर पांडव आदि खड़े हैं। और श्री कृष्ण कहां खड़े? श्री कृष्ण सरसैया पर पड़े हुए पितामह भीष्म के चरणों के पास खड़े, भगवान चरणों पर खड़े। शीतल मंद सुगंध पवन चल रहा है, भगवान का पीतांबर लहरा रहा है और भगवान का पीतांबर परम भागवत महाभागवत भीष्म जी के पाद तल का स्पर्श कर रहा है। वो पीतांबर ऐसे ऐसे जैसे पैर में ऐसे हाथ फेरते ना, कपड़े से भी करते हैं, ऐसे भगवान का पीतांबर, मानो भगवान ने पीतांबर को नियुक्त कर रखा है इस परम भागवत की रज हमें प्रदान करो। क्योंकि निरपेक्षम मुनिम शांतम निर्वैरम समदर्शनम अनुब्रजाम्य हम नित्यम पूये ये चंग्री रेणु भी। भगवान खड़े हैं, अपलक नेत्रों से भगवान का दर्शन कर रहे हैं। कृष्णम च तत्प्रभावज्ञम, कृष्णम च तत्प्रभावज्ञ आसीनम जगदीश्वरम हृदिस्थम पूजयामास माययोपात विग्रहम। श्री कृष्ण सामने खड़े हैं, जगदीश्वर श्री कृष्ण सामने खड़े हैं, पर महाराज जी सामने खड़े श्री कृष्ण की पूजा नहीं की उन्होंने। किसकी पूजा की? हृदिस्थम पूजयामास, जो हृदय में विराजमान श्री कृष्ण हैं उनकी पूजा की। क्यों? बोले बाहर वाले ठाकुर जी वो अपनी इच्छा से आए हैं और जब इनकी इच्छा होगी तो हमारे रोके रुकेंगे नहीं। अनंत कोटि गोपियां तो रोक न सकी, बीच में ही अंतर्धान हो गए, हम कहां से रोकेंगे, हम तो सरसैया पर पहले से ही पड़े हैं। इसलिए ये जो ठाकुर है ना, ये तो लीलाधारी हैं, ये आए हैं नाटक लीला करके और जब लीला होगी तब चले भी जाएंगे, लेकिन मेरे हृदय में तो प्रेम रज्जू में बंध कर बैठे हैं, वहां से इनको हिलने की भी शक्ति नहीं। इसलिए जो सदा सर्वदा से मेरे हृदय कुंज में हृदय सिंहासन पर अविचल भाव से विराजे हैं उन भगवान का उन्होंने पूजन किया। कैसे किया पूजन? पहले बाहर खड़े हुए भगवान को नेत्रों के मार्ग से भीतर घुसाया और फिर पलक बंद कर दिए, मानो ठाकुर जी को कैद कर दिया,
मेरे प्यारे मोहना नयन झापती लेऊं ना मैं देखूं और को ना तो ये देखन दें। हृदय में भगवान को विराजमान कर लिया, पूजन किया और संपूर्ण पूजन हो गया। उस पूजन के बाद फिर क्या होता है, अंत में क्या होता पूजन के बाद? पुष्पांजलि होती है, विशेषार्घ भी होता है। वैसे तो केवल गणेश जी का विशेषार्घ करते हैं, वस्तुतः प्रत्येक देवता की पूजा में अंत में विशेषार्घ होता है। अब श्री कृष्ण की पूजा सब कुछ संपन्न हो गई, तब अर्घ दे रहे हैं भीष्म जी। कहां से? बोले अर्घ दिखाई पड़ रहा है। क्या दे रहे हैं? नेत्रों के अर्घा में ही प्रेम का जल भर करके मानो श्री ठाकुर जी को प्रेम का अर्घ दे रहे हो। भगवान बड़े प्रसन्न हैं। भगवान ने कहा, हे पितामह भीष्म, महाभारत युद्ध के पहले अर्जुन को मोह हुआ, हमको गीता जी सुनानी पड़ी। अर्जुन ने कहा, नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान मयाच्युतो। अब इनकी समस्या है, युधिष्ठिर दादाजी की, ये तो रो ही रहे हैं। कहते कितनी माताओं की गोद सुनी हो गई, कितनी माताओं का सिंदूर सुहाग उजड़ गया, मैं ही उसका कारण हूँ, सारी धरती रक्त रंजित हो गई। रोते रहते हैं। राजा रोता रहेगा तो प्रजा के आंसू कब पहुंचेगा? आप कृपा करके इनका मोह दूर कर दीजिए। भीष्म जी हंसे, बोले आप नहीं कर सकते, हमको कहते दूर कर दीजिए, ये तो इनकी लीला है। भगवान को उपदेश देने की जरूरत थोड़ी है। उपदेश देने की जरूरत नहीं, उपदेश तो हम लोगों के लिए दिया जा रहा है। क्यों? तारा बिकल देखी आया, तारा बिकल आया, हरी ली सुनाई राम जी ने, बताओ। दीन ज्ञान हरलीनी माया, ऐसे ही आप सब कुछ कर सकते हो। आप तो सबसे बड़े वक्ता हो, आपके सामने कौन बोल सकता है? आप हमसे क्यों बुलवाना चाहते हो? और महाराज व्यासपीठ लगी हो, गद्दा तकिया लगा हो, व्यास जी का दिमाग ठीक ठाक हो तब कुछ बोलें? आर पार बाण बिधे हुए हैं, पड़े हुए हैं, न खाए न पिए, आप कहते प्रवचन करो, ऐसे कहीं प्रवचन होता है? आहा, इस प्रकरण में महाभारत का स्थल देखने योग्य है, जहां भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, हे भीष्म, हे पितामह, सृष्टि में आप का सूक्ष्माति सूक्ष्म वेत्ता आज तक उत्पन्न नहीं हुआ, आज तक उत्पन्न नहीं हुआ। आपके जैसा धर्म के मर्म को समझने वाला अब तक कोई उत्पन्न नहीं हुआ है, आगे भी उत्पन्न होने वाला नहीं है। आपके जैसा षडंग वेदों का विद्वान, आपके जैसा ज्ञानी, आपके जैसा भक्त, आपके जैसा जितेंद्रिय, आपके जैसा ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी, महाराज जंगल में जाकर साधना कर लेना कठिन नहीं है, पर राजमहलों में रहकर रजोगुणी तमोगुणी लोगों के बीच में रहकर ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी रहना, अपने मन को सर्वथा नियंत्रित करके रखना, ये तो पितामह भीष्म जैसे दिव्य महापुरुषों की ही सामर्थ्य हो सकती है, लोकोत्तर महापुरुष। आपके जैसा वक्ता उपलब्ध नहीं होगा। और
हे पितामह, हमें कहने में तनिक भी संकोच नहीं है, अब तक की सृष्टि में युधिष्ठिर के जैसा जिज्ञासु, धर्म के मर्म को जानने वाला न पहले कोई पैदा हुआ न आगे कोई पैदा होने वाला है। इसलिए ये जो धर्म की सूक्ष्म रहस्य की बातें पूछ सकते हैं, ऐसा पूछने वाला नहीं मिलेगा और आपके जैसा बताने वाला भी नहीं मिलेगा। तो इससे क्या होगा? बोले इसी संवाद को सुनने के लिए ब्रह्मांड की सभी विभूतियां आई। ये अद्भुत सत्संग होने वाला है गंगा जी के तट पर, इसको सुनने के लिए सब आए। भीष्म जी समझ गए, बोले भगवान अब आप कृपा करो, हमें कहने की सामर्थ्य दो। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि बोलने वाला आपके अलावा और कोई नहीं है। सभी घटों में बोलने वाला कौन है? राम जी। सब घट बोले, सब में बोलते हैं। आप बोली, इसका मतलब होगा कि टेप रिकॉर्ड और कैसेट बजेगी श्री कृष्ण की। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। ये शरीर यंत्र होगा और वाणी तो आपकी होगी। आप जो चाहें वो पूछें और आप जो चाहें वो प्रकट करावें। आहा, हम आपकी आज्ञा का पालन करते हैं। और महाभारत में लिखा है कि भीष्म जी को बिल्कुल पीड़ा नहीं रही और एकदम सावधान हो गए, संपूर्ण ज्ञान उनका प्रकाशित हो उठा। ये भगवान की सामर्थ्य है। और वे उन्होंने बोलना आरंभ किया। क्या बोला है महाराज युधिष्ठिर? हम कहते हैं कभी ऐसा अवसर होवे तो कम से कम आप लोग जो सत्संगी हैं उनको महाभारत में भीष्म और युधिष्ठिर का जो विस्तृत संवाद है उसको जरूर एक बार श्रवण करना चाहिए। केवल और पूरा मत सुनो महाभारत में, उतना प्रकरण है जिसकी चर्चा उसमें न की गई हो। विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र उसी संवाद का प्रसाद है जो हम लोगों को प्राप्त हो रहा है। बोलो श्री भीष्म पितामह जी महाराज की जय।